भारतीय जनता पार्टी खातिर उत्तर प्रदेश बचावल बहुत जरूरी बा। कारण कि रुआ ये बात के जानता नहीं कि आज भी 2024 तक ले नरेंद्र मोदी के कुछ होके वाला नहीं है। कारण कि 303 सीट लेकर के सबसे मजबूत दावेदारी के साथ केंद्र में सत्ता में अपना दम पर पारे। मुकेश सहनी काफी परेशान बाड़न, खास करके बिहार के बात अगर कहीं तो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार के लेकर के। भारतीय जनता पार्टी बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहा कि अगर घर के मालिक ना चाहिए तो घर में कोई प्रवेश कर जाए और जबरदस्ती प्रवेश कर जाए, जबरिया ओकरा के ठेल के डूब जाए तो सबके सिंपैथी भी ओकरा मिल जाए। शराबबंदी एक वैसा मुद्दा हो गई बा जना के लेकर के नीतीश कुमार हमेशा कटघरा में खड़ा बा। हालांकि बहुत बढ़िया बा, रुआ याद होई रुआ के बार बार हम कहले कि शराबबंदी के जना घड़ी नीतीश कुमार लागू कैले रहन सब पहला शख्स रही जो खड़ा होकर के और एक विरोध कैले रही। लेकिन एक बात तय नजर आता कि जना तरीका से नीतीश कुमार लगातार अपन शक्ति संचय करता रहन और उनकर साथे रहे वाला लोग जौना तरीका से अपना ही साथी के घेरत रहन उसे साफ बुझा रहा बा कि मामला सब कुछ ठीक ठाक के तरफ नहीं खेजा। पूरा प्लान के तहत नीतीश कुमार अपन तैयारी कर रहा बा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रुआ देखले हो कि विपक्ष में रह करके नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल एक दूसरा के जितना हमला करते रहन अचानक से ओमे विराम आ गई बा, शांति छा गई बा। कि तेजस्वी यादव से घंटन बात भैला मुकेश सहनी के जौन की दोस्ती टूट गई रहा ओकरा के फिर से जोड़े के कोशिश हो रहा बा। संगत के असर से लोग सब भुला जाला, संगत के असर में लोग सब भुला जाला, नीमन बाउर स्वार्थ में, नीमन बाउर स्वार्थ में सब पिछुआ जाला, नीमन बाउर स्वार्थ में सब पिछुआ जाला। चुपचाप नशेड़ी बना देले सियासत, चुपचाप नशेड़ी बना देले सियासत, पाप पुण्य के खाता बही जरा देला। गोर लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बरवाल के अपना कार्यक्रम जना के नाम खुटा ठोक के इतवार के दिन गहमा गहमी तो रहले रहे राजनीतिक रूप से। लेकिन एकरा पहले जो जीतन राम माझी राजनीतिक रूप से बयान दे देले और बयान के बाद से फिर ओकरा के वापस भी ले ले, गलती भी स्वीकार के लिए माफ़ी मांगले, लेकिन ये सब से मामला जो बा और गंभीर हो गई। हालांकि हम चर्चा ये करे खातिर नहीं की आई, हम चर्चा करे खातिर आई बनी कि माहौल जना तरीका के बाद जना तरीका के व्यवहार हो रहा बा, बात चल रहा बा, उसे एक बार फिर ये बात कहे खातिर कहीं ना कहीं मजबूर होता नहीं जा कि बहुत ठीक नहीं है बिहार के सरकार के, सरकार के भीतर जे लोग भी शामिल बा उस सब लोग में कहीं ना कहीं चिंता के लकीर बा। और ख़ास करके जे चुनाव जीत के आइल बा 243 गो विधायक, उनका मन में ये बात के डर हमेशा बैठा रहता कि कब सरकार भस जाए और कब उनका हाथ से सत्ता और पद दोनों निकल जाए। लेकिन वह जानता नहीं कि बड़ा मुश्किल से चुनाव कोई जीत के आवेला, अंतिम समय तक प्रयास यह रहेला कि मध्यावधि चुनाव मत होके। 2005 में भई रहे वालों के पता बा, 16 साल के बाद फिर हालांकि जौन स्थिति बा स्थिति में कुछ भी कहल बड़ा मुश्किल बा। लेकिन एक बात तय नजर आता कि जौना तरीका से नीतीश कुमार लगातार अपन शक्ति संचय करता रहन और उनकर साथे रहे वाला लोग जौना तरीका से अपना ही साथी के घेरत रहन उसे साफ बुझा रहा बा कि मामला सब कुछ ठीक ठाक के तरफ नहीं खेजात। लगातार यह बात के लेकर के चर्चा अब शुरू हो गई बा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सत्ता से कैसे उतारल जाओ, ओकरे खातिर शुरुआत अभी से करे के पड़ी और एक खातिर अलग अलग रणनीति पर काम हो रहा बा। जातीय जनगणना कहल जा रहा बा कि ओकरे एगो पार्ट है जौना से नरेंद्र मोदी के कमजोर करे के साजिश कही जा रहा बा। अब एक बात करूँ कैसे समझाओ, कारण कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड ही बात कर रहा बा और वह देखले हुए कब कि जीतन राम माझी जना तरीका से एक खास वर्ग के टारगेट कैले गरीबले, ओकरा बाद भारतीय जनता पार्टी और जदयू के चूँकि संवैधानिक पद पर दोनों के लोग बैठल बा सत्ता में बालोग और उसे सेंटीमेंट जुड़ल बा, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य के ये देश के दुनिया भर में ब्राह्मण समाज के। लेकिन मामला दुआ देखबे कहीं कि का भइल, जे चुनाव हारल बा ओकरा के सामने खड़ा करके मिथिलेश तिवारी के सामने खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रहा बा। हालांकि सुबह सवेरे रुआ देखले हो कब कि भारत लाइव पर खबर भी चल रहा है कि कैसे नितिन नवीन यह बात के सबसे पहले
कॉन्डेम कैले रहन और बतौले रहन कि जीतन राम मांझी जौन कहत रहे तुम सरासर गलत बा, उनका इस तरीका का बयान देवे के चाहिए, मामला गरमा गई बा। लेकिन ओकरों से बड़ मामला बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार 22 तारीख से यात्रा में जा रहा बा। रुआ एक पहले भी सुन लो कब कि नीतीश कुमार के यात्रा के उद्देश्य का बा, तो उद्देश्य बा समाज सुधार। रुआ एक बात समझी कि अगर घर के मालिक ना चाही तो घर में कोई प्रवेश कर जाई और जबरदस्ती प्रवेश कर जाई, जबरिया ओकरा के ठेल के डूब जाई, तो सबके सिंपैथी भी ओकरा मिल जाई। शराबबंदी एक वैसन मुद्दा हो गई बा जना के लेकर के नीतीश कुमार हमेशा कटघरा में खड़ा बा, हालांकि बहुत बढ़िया बा। रुआ याद होई रुआ के बार बार हम कहले कि शराबबंदी के जना घड़ी नीतीश कुमार लागू कैले रहन, सब पहला शख्स रही जो खड़ा होकर के और एक विरोध कैले रही, धरना प्रदर्शन कैले रही कि शराबबंदी अगर लागू होता तो पूर्ण शराबबंदी लागू हो को। लेकिन आज के दिन और वह दिन में बड़ी अंतर बा। अब कहल जा रहा बा कि पैरेलल इकोनॉमी चल रहा बा, एक खातिर जौन लोग विशेष करके बिहार से नाता रखेला, बिहार के दुख सुख से उनका मतलब बा, उस सब लोग ये बात कह रहा बा। विपक्ष भी बात कर रहा बा कि कोनो ना कोनो रूप में शराब बंदी करके नीतीश कुमार जी अच्छा तो काम कैले, लेकिन एक तो बिहार के राजस्व के क्षति हो रहा बा, दूसरा तरफ ओकरा से बेसी राजस्व के काला व्यापार हो रहा बा। ये सब बात से आगे रुआ निकली, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जौन संबंध बा ओकरा में बड़ी खटास आ गई बा। एक एक खटिया पर दूध ने मुँह करके सुतल बा लोग, एक मतलब रुआ समझ लें कि संबंध बहुत लंबा ना चली। ये बात के लेकर के लगातार जना तरीका से एनडीए गठबंधन के साथी दल के भीतर एक दूसरा पर हमला हो रहा बा। हाल फिलहाल में रुआ देखनी कि कैसे मुकेश सहनी के घेरे खातिर पूरा भारतीय जनता पार्टी के और अन्य जौन कि भारतीय जनता पार्टी के कसहू सटौर में बा लोग, वो सारा निषाद समाज के नेता आगे निकलिले और कहीं ना कहीं ये बात के तरफ इशारा करत रहे कि मुकेश सहनी के बढ़त जौन कद रहला ओकरा के कम करे के कोशिश हो रहा बा। अजय निषाद बिहार छोड़कर के उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए बड़े, और नरेंद्र मोदी के सबसे बड़ा चीज बा कि नरेंद्र मोदी और उनका प्रशंसक और समर्थक लोग खातिन निश्चित रूप से चिंता का विषय बा कि अगर अजय निषाद मुकेश सहनी के घेरे खातिन ई बात कहस कि भावी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, तेकरा मतलब बा कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के भी चेतावनी बा, और अगर ये चेतावनी मुकेश सहनी देता रहे तो गलती का करता रहे। मुकेश सहनी काफ़ी परेशान बाड़न, खास करके बिहार के बात अगर कहीं तो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार के लेकर के। भारतीय जनता पार्टी बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के साथ व्यवहार ठीक नहीं करत, जना के लेकर के लगातार उनका पर हमला बिहार से और अन्य राज्य से जो सहनी समाज के निषाद समाज के नेता बाड़न उ कर रहा बाड़न। जहाँ एक तरफ मुकेश सहनी स्पष्ट तरीका से आरक्षण के लेकर के अपना समाज के आगे जा रहा बाड़न, जौना बात के लेकर के वह पहले से पता बा कि भारतीय जनता पार्टी उ कोनो डिमांड पूरा करे खातिर तैयार ना होके जौन ओकरा अलावे ओकरा पार्टी के अलावे ओकरा संगठन के अलावे कोई मांग देवे। जैसे नीतीश कुमार के जातीय जनगणना जौन में पूरा भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दल के नेता लोग जाकर के प्रधानमंत्री से भेंट कैले रहे और ओकरा के पूरी तरह से निरस्त कर दिले, और ये बात नीतीश कुमार बर्दाश्त ना कर सकेले। अब एक और मुद्दा बा बिहार के विशेष राज्य के दर्जा, और यह मामला पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घेरा गई बा, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा सांप छुछंदर वाला स्थिति में पड़ गई बा कि वो एक तरफ जहां बिहार के पिछड़ा राज्य घोषित कर दिलस, हर मामले में पिछड़ापन दिखा दिलस, हर पायदान पर पीछे से दिखा दिलस, आ अब नीतीश कुमार ओकरे के मुद्दा बना करके और विशेष राज्य के दर्जा के डिमांड कर दिले, और ऐसा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अब का करी, ये बात के लेकर के रुआ समझ में आउत हुई। लेकिन ये सब बात से अगर आगे रुआ बढ़ जाए तो ये पूरे मामले में जौना तरीका के स्थिति बा वो सीधे नजर आता कि 243 सीट बिहार के जौन बा वो मेन खेला के कारण बा। एक संगे संगे 24 गो जौन MLC के चुनाव होके वाला बा ओकरा पर भी मामला आके अटक गई बा। ये दोनों जौन आपस में एक दूसरा से नूरा कुश्ती कर रहा बड़े ओकरा पीछे उस सीटवे बा। एक साथ साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बात के भी डर लगता कि कहीं उत्तर प्रदेश में ये लोग एक संगे मत हो जाओ जौना से ओकरा घाटा हो जाए। ये चलते भी
अपना अलर्ट मोड में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बा, और ऐसे बुझा रहा बा कि कहीं ऐसा ना होके कि बिहार उत्तर प्रदेश बचावे खातिर नुकसान में पड़ जा। भारतीय जनता पार्टी खातिर उत्तर प्रदेश बचावल बहुत जरूरी बा, कारण कि रुआ है बात के जानता नहीं कि आज भी 2024 तक ले नरेंद्र मोदी के कुछ होके वाला नहीं है, कारण कि 303 सीट लेकर के सबसे मजबूत दावेदारी के साथ केंद्र में सत्ता में अपना दम पर बाड़े, केहू साथ देवे चाहे मत देवे। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव हारला से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ जाई, और आवे वाला 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ये बुझा रहल बा कि ओकरा परेशानी के सामना करे के पड़ी। यह चलते भारतीय जनता पार्टी साधल चाहता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार में तो जब चाहिए तब साध ली, कारण कि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होके लगा और 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लगे 74 गो सांसद बढ़े, तो 74 गो सांसद रही हैं, माफ करब 74 गो विधायक रही हैं, और ऐसा स्थिति में 74 गो विधायक रही हैं तो रुआ ओकरे से अंदाजा कर ली कि लगभग मतलब एक तिहाई 243 में से अगर तीन भाग में डिवाइड कर दी तो एक भाग कहीं ना कहीं कब्जा में बा भारतीय जनता पार्टी के, और ऐसा स्थिति में ओकर 16-17 गो जो सीट बा अथी लोकसभा के ऊ बरकरार करे में, और वो घड़ी तक कुछ रणनीति बदल के ओकरा के अपना हाथ में करे में कामयाब हो सकेला। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश ओकरा हाथ से निकल जाई तो 75 गो सीट के बाद बा वो ये 403 सीट वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लगभग तैयारी हो चुकल बा, और एकरा के लेकर के अजय निषाद जब कहले कि मुकेश सहनी के मोदी और योगी के गीत गावे के पड़ी, भजन गावे के पड़ी, उनका शरण में आवे के पड़ी, वरना उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाई, इतने ना धरना प्रदर्शन पर भी योगी सरकार उत्तर प्रदेश में रोक लगा देले बा। एकरा साथ साथ जौन समझौता होके के रहे नीतीश कुमार के साथ, उस समझौता कहीं ना कहीं खटाई में पड़त नजर आ रहा बा। भारतीय जनता पार्टी पहल जरूर कैले रहे लेकिन नीतीश कुमार ओकरा के स्वीकार नहीं कैले। यह बात के तरफ स्पष्ट इशारा बा कि जे उत्तर प्रदेश के प्रभार में बा और जो उत्तर प्रदेश देख रहा बा उनका के कहीं ना कहीं यह बात के एहसास हो गई बा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार चुनाव ना लड़ी हैं। अब तक के जो स्थिति बा तो वर्तमान यह बा। एकरा साथ साथ जौना तरीका से जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहा बा, इहो यह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि कहीं ना कहीं पूरा प्लान के तहत नीतीश कुमार अपन तैयारी कर रहा बा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रुआ देखले हो कब कि विपक्ष में रह करके नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल एक दूसरा के जितना हमला करते रहन, अचानक से ओमे विराम आ गई बा, शांति छा गई बा, और इस शांति कोनो ऐसे ही निके छले, इस शांति के पीछे कोई बड़ा रणनीति नजर आ रहा बा, और साफ नजर आ रहा बा कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जौना तरीका के व्यवहार के लिए जैसे वो बयान दिले हा ब्राह्मण समाज के, ओकरा से दू गो फायदा हो रहा बा। एक तरफ यह बात के जदयू कह रहा बा कि हमनी के ब्राह्मणवाद के खिलाफत करी ले जा, लेकिन ब्राह्मण के खिलाफत ना करी ले जा। वही जैसन कि लोग जानते नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित या फिर कहल जाओ कि पोषित राष्ट्रवाद जौन बा उ, और दूसरा तरफ पोषित जौन ब्राह्मणवाद बा, ये दोनों के कहीं ना कहीं गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के एक बड़ा हिस्सा होला, और एकरा में अगर सेंधमारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी एकरा के बर्दाश्त ना कर सकेले, भले ही मिथिलेश तिवारी के माध्यम से होके, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो गई बा जीतन राम मांझी के विरोध के। एकरा अलावे अन्य संगठन और अन्य जौन दल वाले राजनीतिक दल उ सब दबाव बना रहा बड़े नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर कि जीतन राम मांझी के बाहर कर जाओ। ऐसा स्थिति में जीतन राम मांझी अपन जो उनकर सबसे सुंदर कुशन होला जना पर वो आराम से अपन बैठ सकस उकर इंतजार कर रहा बड़े, और ऑफर लगातार उनका राष्ट्रीय जनता दल से मिल रहा बा। ये बात के समझ के रुआ इतना जरूर समझ सकीले कि कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल जौना तरफ जा रहा बा वह बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जो कि आपस में कई हाली बातचीत कैले, गुप्त मीटिंग भइल, राजनीतिक चर्चा भइल, और कई हाली कयास लगाओल गई, कई हाली बात के चर्चा छिड़ल, हंगामा भइल कि दोनों जल्दिए छोड़ सकेले, और एकरा साथ साथ जौन गुप्त सूचना मिल रहा बा भारत लाइव पर हुआ खबर भी देख लो कब या अन्य जगह भी देख लो कब कि तेजस्वी यादव से घंटन बात भइला मुकेश सहनी के, जौन की दोस्ती टूट गई रहा ओकरा के फिर से जोड़े के कोशिश हो रहा बा, और जीतन राम मांझी तो पहले से ही बातचीत करता रहन
ऐसा स्थिति में जीतन राम मांझी के तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना, नीतीश कुमार के शराबबंदी के फिर से समीक्षा करे के बाद और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर सेंधमारी, इस सब कुछ बता रहा बा कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी अगर पाला बदल ले और कोई नया समीकरण के तरफ बढ़ जा आगे तो कोई अतिशयोक्ति ना हुई। कारण कि मुकेश सहनी के साफ नजर आ रहा बा कि बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीधे दिल्ली में जा करके ओजा खूंटा मजबूत गाड़े के उनका तैयारी बा। अब ये सब बात के लेकर के नीतीश कुमार खातिर भले कम चिंता के बात होके लेकिन भारतीय जनता पार्टी खातिर कहीं ना कहीं चिंता के बात जरूर बा और ये बात बता रहा बा कि बिहार में जल्दी ये एनडीए के भसे के संभावना प्रबल हो रहा बा। आज के खूंटा ठोक में रुवल उसे एजे विराम ले, लेकिन यह बात के साथ कि हम भोजपुरिया समाज के हर वो शख्स से निहोरा करतनी, आग्रह करतनी कि रुवा में अगर अपना भाषा के प्रति प्यार बा, सम्मान बा, तो आई सब है मंच रउे लोग के ह रुवा लोग अपना भाषा में बोली, बतियाई, लिखी, पढ़ी, गाई, बजाई, जौन करे के बा करी, लेकिन सम्मान के साथ, भोजपुरी के सम्मान के साथ हमने के यह मंच पर अपना समाज के लोग के और देश दुनिया के बताई जा कि सबसे मीठ भाषा, सबसे दुलरी भाषा और सबसे सम्मान के भाषा भोजपुरी है। फिर काल भेंट हो रुवा लोग से यही ठेहा बजाना के नाम हो खूंटा ठोक के गोड़ लगा तनी।